देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। फारुखाबाद भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर विकास शर्मा को चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया गया। वहीं उन्हीं के साथ डॉक्टर महेंद्र श्रीवास्तव को सह संयोजक बनाया गया। आपको बताते चले कि भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रूपेश गुप्ता ने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह की संस्तुति पर संयोजक वे सह संयोजक घोषित किए हैं। उन्होंने शिवांग रस्तोगी को मीडिया विभाग का संयोजक की तीसरी बार जिम्मेदारी सौंपी है। और साथ ही साथ क्षेत्र की जनता जो कल से मुझको इतना प्यार और आशीर्वाद दे रही है, मैं उसका भी आजीवन ऋणी रहूँगा। मुझे उम्मीद नहीं थी लोग हमको इतना प्यार और आशीर्वाद देंगे। अब रही बात ये कार्य करने की, तो जो कि मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर पी शर्मा जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी थे चिकित्सा प्रकोष्ठ की, तो मैंने बचपन से ही देखा है कि किस तरह कार्य होता है और पूरा परिवार ही चिकित्सा क्षेत्र है। 15-20 वर्षों से मैं खुद यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ूँ, चिकित्सक बंधुओं को। और अगर कोरोना का किसी लहर जैसा बताया जा रहा है आने वाली है, तो उसमें हम लोग 2 महीने का पिछले का साथ मिलेगा। आपको क्या होगा कि पिछले वर्ष 2 महीने 2.5 महीने हम लोग कैंप लगा चुके हैं। निःशुल्क हमारे कायमगंज के सभी चिकित्सक बंधुओं ने अपने क्लिनिक बंद करके नर्सिंग होम बंद करके लगातार कायमगंज क्षेत्र की जनता की सेवा की। आगे अगर भविष्य में भी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे और पार्टी के बीजों को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।